कल देखा कि आपके ये कैंप का जो एक बैनर लगा हुआ था औचित पाड़े में, तो मैंने देखा कि वो फट चुका था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो कैसा है उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी, जैसे जो भी है ठीक है, हमारा यहाँ पे बैनर लगा हुआ था, किसने फाड़ा वो दिखा नहीं, अभी उसके ऊपर देखा जा रहा है, उस पर देखेंगे कौन है क्या है, अगर वो सीसीटीवी फुटेज मुझे मिलेगा तो उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। इसके अंदर पूरे भिवंडी का जो कैंप है, सिर्फ औचित पाड़े का कैंप नहीं, औचित पाड़े में जो है स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ काम। अभी यहाँ पर आप देखिए वो कैमरे से बताइए, ये यहीं पे अगर आप वो पीली बिल्डिंग दिख रही है आपको छोटी सी, ये यहाँ का हेल्थ कैंप है, लेकिन किसी भी औरत को ये पता नहीं कि यहाँ पे पीएचसी चलती है। इतना बड़ा इलाका है और इसके अंदर पेशेंट दिन में कितने आते हैं, 50, वो भी बेचारी एक नर्स देखती है, तो डॉक्टर है किधर? अभी मैंने कमिश्नर से बात किया, वो डॉक्टर आज कैंप में भी नहीं आई। तो यहाँ पे वो कोई मेडिकल ऑफिसर हो कोई हो, उनको पॉलिटिकल लोग सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से वो लोगों की खिदमत नहीं करते, घर पे बैठ के पगार ले रहे हैं। उनकी ज़रूरत है, उनको मालूम है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे बुखार है, उनको जो सहूलत यहाँ आकर लेनी चाहिए वो सहूलत नहीं मिल रही। आज नर्सिस रो रही थी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल नहीं सकते कि मेडिकल ऑफिसर नहीं आते। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो अपने शहर में है, बार बार बोलता हूँ, वो एक्टिव नहीं है, या तो दवाएं नहीं है या तो मेडिकल ऑफिसर नहीं है। यहाँ बहुत बुरी हाल है क्योंकि यहाँ की आवाम जागरूक नहीं है। एक छोटा सा गांव है चिम्बीपाड़ा, कांबे वाले रोड पे, वहाँ डिलीवरी तक होती है। कौन है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस कासिम शेख, जिन्होंने आज एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था। आइए हम इनसे ही कैंप के बारे में पूछते हैं और हेल्थ सेंटर के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। सर, ये कैंप किसने ऑर्गेनाइज किया था और क्या था, जरा बताएंगे? देखिए, हमने ये एक हेल्थ कैंप कॉरपोरेशन को कहा कि आप ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि मैं जब औचित पाड़ा, खंडूपाड़ा, बाला कंपाउंड ये सब इलाके में आता हूँ तो मुझे महिलाओं की कंप्लेन आती है कि हमारे पास कोई हेल्थ की सुविधा नहीं है और हमको आईजीएम जाना पड़ता है। देखिए, आईजीएम सर्दी खांसी प्रेगनेंसी की रजिस्ट्रेशन इसके लिए नहीं है, ये सब कॉरपोरेशन का काम है। अभी यहाँ पर आप देखिए वो कैमरे से बताइए, ये यहीं पर अगर आप वो पीली बिल्डिंग दिख रही है आपको छोटी सी, ये यहाँ का हेल्थ कैंप है, लेकिन किसी भी औरत को ये पता नहीं कि यहाँ पर पीएचसी चलती है। सर, वो हेल्थ कैंप में क्या क्या होता है? हेल्थ पोस्ट है, सॉरी, हेल्थ पोस्ट में क्या क्या होता है? हेल्थ पोस्ट पे मेडिकल ऑफिसर है, हेल्थ पोस्ट पे नर्स है, हेल्थ पोस्ट पे जो वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, जो जो ओपीडी चलती है आईजीएम में वो यहाँ चलनी चाहिए। इतना बड़ा इलाका है और इसके अंदर पेशेंट दिन में कितने आते हैं, 50, वो भी बेचारी एक नर्स देखती है, तो डॉक्टर है किधर? अभी मैंने कमिश्नर से बात किया, वो डॉक्टर आज कैंप में भी नहीं आई। अच्छा, तो यहाँ पे वो कोई मेडिकल ऑफिसर हो कोई हो, उनको पॉलिटिकल लोग सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से वो लोगों की खिदमत नहीं करते, घर पे बैठ के पगार ले रहे हैं। तो ये हेल्थ कैंप करने का मकसद था कि लोगों तक वो सुविधा पहुँचे। आज गायनेक है, आज चश्मे का चेकअप हो रहा है, आज यहाँ पे बच्चों का चेकअप हो रहा है, जनरल मेडिसिन मिल रही है, लेकिन हेल्थ कैंप के ज़रिए लोगों तक पहुँचना और उनके फिर आगे की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? ये आज जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, हेल्थ वर्कर्स उनको फॉलोअप करेंगे। मैंने रियाज भाई से गुजारिश की है कि ये 2 महीने, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी, 3 महीने खाली हेल्थ कैंप कीजिए। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ये शॉल, फूल, बम फोड़ना ये सब बंद करके खिदमत खल्क में लग रही है और सब जगह पे हेल्थ कैंप कीजिए। अभी हम 5-6 हेल्थ कैंप करेंगे। आपका कहना ये कि यहाँ के इदराब के लोगों में वो अवेयरनेस हेल्थ को लेके नहीं है? उनकी ज़रूरत है, उनको मालूम है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मुझे बुखार है, उनको जो सहूलत यहाँ आकर लेनी चाहिए वो सहूलत नहीं मिल रही। आज नर्सिस रो रही थी कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल नहीं सकते कि मेडिकल ऑफिसर नहीं आते। तो मसला ये है कि वो जो डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होना चाहिए, जो सुविधा कॉरपोरेशन को करना चाहिए, वो नहीं है। तो आकिब क्या कहेंगे आज इस स्कैम के बारे में, जरा हमें डिटेल देंगे और किसके थ्रू ये हुआ था वो सब बताएंगे जरा।
सोहेल भाई, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सारे जो आवाम आए उनको शुक्रिया करूँगा। और ये जो कैंप रखा गया है कॉरपोरेशन की तरफ से रखा हुआ है, जिसमें हम समाजवादी पार्टी का योगदान है, हम सपोर्टिव रोल में है पूरा पूरा। हम ये पूरे कैंप में जो है फ्री जो है सारी चीज़ें दे रहे हैं, चेकअप जो है सारा फ्री दे रहे हैं। उसके अंदर गायनेक बैठे हुए हैं, पेडिट्रिशियन बैठे हुए हैं, ब्लड चेकअप हो रहा है, एक्सरे हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है इनको जो है किया जा रहा है। जिसके अंदर पूरे भिवंडी का जो कैंप है, सिर्फ ये औचित पाड़े का कैंप नहीं, औचित पाड़े में जो है स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इसमें क्या रिस्पॉन्स मिला पब्लिक का, क्या रिस्पॉन्स इसके अंदर बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लोकल रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, पात्मनगर से भी रिस्पॉन्स अच्छा है, बाला कंपाउंड से भी लोग हैं, खंडूपाड़ा से भी लोग हैं, गैबी नगर से भी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं। नंबर बता सकते हैं कि कितने लोग आए होंगे कम से कम? अभी तक का जो है कुछ 180 के आसपास, 200 के आसपास के अभी क्रॉस हो चुका है। अभी 3 घंटा और बाकी है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, 1 घंटा पहले का मेरे पास फिगर है, 200 के आसपास कुछ हुआ था। ठीक ठीक, जैसे ये तो हो गई कैंप की बात। जैसे मैंने कल देखा कि आपके ये कैंप का जो एक बैनर लगा हुआ था औचित पाड़े में, तो मैंने देखा कि वो फट चुका था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए वो कैसा है उस पर मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। जैसे जो भी है ठीक है, हमारा यहाँ पे बैनर लगा हुआ था, किसने फाड़ा वो दिखा नहीं, अभी उसके ऊपर देखा जा रहा है, उस पर देखेंगे कौन है क्या है। अगर वो CCTV फुटेज मुझे मिलेगा तो उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा, जो भी हो सकता है मेरे से मैं वो करूँगा। क्योंकि कैंप का जो बैनर लगा वो लोगों के लिए लगा था, आवाम के लिए लगा था, वो क्यों पॉलिटिकल लेवल पर लोगों ने फाड़ा क्यों फाड़ा वो तो उनका इंटेंशन। अब जो भी है उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, CCTV का फुटेज मेरे को मिलेगा तो मैं उसके ऊपर जो भी है उससे बात करूँगा, कार्रवाई करूँगा जो भी करूँगा। जिस तरह से आप जिस वार्ड में औचित पाड़े में और आम पाड़े में जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये मैं देख सकता हूँ कि ये शायद हो सकता हो कि आपका चुनावी क्षेत्र, ऐसा कुछ है? चुनावी क्षेत्र तो है, ज़रूर है, यही मेरा वार्ड है, यहाँ से चुनाव लड़ने का मेरा पूरा इरादा है। आगे इंशाल्लाह जैसा पार्टी बोलेगी वैसा किया जाएगा। ये थे हमारे साथ आकिब आज़मी। तो अभी इस वक्त हम मौजूद है स्कूल नंबर 34 औचित पाड़े में, जहां पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिसमें समाजवादी और नगरपालिका के कॉलैब से ये कैंप किया गया था। हमीद शेख, हमीद भाई क्या कहेंगे आप इस कैंप के बारे में? ये कैंप रईस भाई ने बहुत दिन से सोचा था कि हर एरिया में, स्लम एरिया में कैंप ले मेडिकल, क्योंकि बहुत सारे जो माँ बहनें बहुत सारे उनको तकलीफें रहती, लेकिन वो बेचारे कहीं अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जाती, ना कहीं भी कहीं उनको वक्त मिलता है। तो रईस भाई ने सबसे पहले हेल्थ पे, एजुकेशन पे जो उन्होंने जो दिया रखा है, तो हिसाब से औचित पाड़ा में आज कैंप रखा था। और इधर आने के बाद में काफ़ी लोगों को जो तकलीफें हैं, इतनी सारी तकलीफ है, इतने सारे प्रॉब्लम है, वो आने के बाद में समझ में आज सुबह से लेके काफ़ी पब्लिक यहाँ पर आ रही है। अमित भाई, आपका कौन सा चुनावी क्षेत्र, आप किस एरिया से ताल्लुक रखते? देखो 2017 में हमारा यही चुनावी क्षेत्र था, लेकिन काफ़ी इलेक्शन के टाइम ही ये क्षेत्र आया था। लेकिन भले 2017 में चुनावी क्षेत्र था, लेकिन हम लोग 2017 के बाद में भी हर एरिया में और हर जगह पे वर्क कर रहे हैं।